चाचा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है ठीक है चाचा, आपका नाम क्या है? उमर हयात। ओके, आप पाकिस्तान से? पाकिस्तान मंडी बाबरदीन। ओके, अच्छा लगा। सब ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। ओके, अभी ये गाड़ी चला रहे हैं? हाँ अभी ये गाड़ी चला रहे हैं। ओके, सऊदी में कितना साल से गाड़ी चला रहे हैं? ओ सऊदी में 25 में चला रहा हूँ। 25 ईयर, मतलब 25 साल हो गया। हाँ ओके, और पाकिस्तान से आया मेरे को 32 हो गया। 32, ओके। तो आपको 25 साल में क्या क्या एक्सपीरियंस किए चाचा? कभी काम ना मिला हो, कभी कंपनी? कभी कभी ऐसा हो जाता है, पूरा पूरा दिन सूप में बैठे रहते हैं जी। वो गाड़ियां लोड करके, काम नहीं मिलता, वो कस्टमर नहीं होता, जी, वैसे जी। मेरे पूरा पूरा दिन धूप में बैठे रहते थे। बहुत बहुत हरारत देखी है भाई, बहुत बहुत हरारत देखी है हमने। ओके, जो अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा है, जो सीम में हमारे है वो अल्लाह दे रहा है। बहुत अच्छा लगा चाचा, क्योंकि और हमारे YouTube चैनल में बहुत ऐसे लोग हैं जो ड्राइवर है और बाहर में आके गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो आप तो कपिल के गुस्सा में है ना? नहीं कपिल का नहीं, अभी हम भी बैर में चला रहे हैं ना गाड़ी। है ये गाड़ी हमारे कपिल का नहीं है? नहीं नहीं, आप मतलब वीजा तो कपिल से लगा के आए ना? हाँ वीजा तो कपिल से लगा के आए हैं। तो बहुत हमारा ऐसा दोस्त है जो आना चाहते हैं, तो वो कपिल के वीजा में आए या कंपनी वीजा में आए? अभी अभी जो ये टाइम जो जा रहे हैं, आपको सही अभी सही बात बोलना है तो फिर कंपनी का वीजा लगा के आए, वो अच्छा है ना? वो अच्छा है। अभी जो कफील है वो जलील करते हैं, वो अभी सही नहीं है, पहले जैसे नहीं है, अभी बहुत तंग करते हैं। ऐसे पंगार थोड़ा कम हो मुश्किल नहीं है, लेकिन वो कफील के पास अभी तंग करेंगे हम ये वो ऐसे ऐसे, तो कंपनी के पास आए तो अच्छा है। मतलब क्या क्या कम होना पड़ा था अभी तक बता दीजिए? कभी कभी घमा नहीं बनता है, क्या सार नहीं बनता, रोज सार नहीं बनता, वो सैलरी नहीं मिलता कभी कभी, ऐसे काम आगे होएगा तो सैलरी मिलेगा, काम नहीं होगा सैलरी नहीं मिलेगा, ये तंग है ना? हाँ ये तंगी है, लेकिन वो छुट्टी जाने का मतलब है कि प्रॉब्लम होता है, दो दो तीन तीन साल में इधर पड़े रहते हैं, पैसा नहीं होता तो फिर वो छुट्टी कैसे जाएगा? ठीक है ठीक है, तो इसलिए कंपनी का लगा के तो अच्छा रहेगा। तो ये ड्राइवरी का जॉब, ड्राइवर का काम इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है ना? ये 24 घंटे जो चलता है ना रोड में, 24 घंटे मौत के आगे बैठा होता है। 24 घंटे जितना देर गाड़ी में रहना है मौत आगे बैठना है, किसी टाइम भी मौत आपका आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसलिए थोड़ा बच के। वैसे मौत की बात तो चाचा हर टाइम हर सेकंड रिक्स होता है, रिक्स होता है, लेकिन इसमें ज्यादा है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। थोड़ा ध्यान से चलाने, कोई गाड़ी चला भी रहा हो, जैसे हमारा कोई ड्राइवर दोस्त भी ये वीडियो जरूर देखेंगे, क्या बोलना चाहते हैं? थोड़ा सेफ्टी से चलाओ भाई। सबके लिए मैं बोलता हूँ कि अपना ध्यान से अच्छे से रह के मजे दे के काम करें, लेकिन ऐसे मतलब के देखो कि जैसे आगे गाड़ी का भी ध्यान रखो, गाड़ी का ध्यान रखो अपना, मतलब के ये भी देखो गाड़ी का ध्यान भी रखो, गाड़ी ध्यान से चलाएगा, नींद पूरा करो, सो नींद पूरा करके सो के तो गाड़ी चलाओ, अगर नींद पूरा नहीं होगा तो आदमी एक्सीडेंट करेगा, आदमी मरेगा, खुद मरेगा, आगे वाला भी मरेगा। ओके चाचा, आज शॉर्टकट में इतना ही वीडियो, फिर भी टाइम मिलेगा हम अच्छा, मतलब ट्रैफिक रूल कहाँ फाइन होता है, ये कहाँ किस तरह चलाना होता है, कितना स्पीड में चलाना होता है, वो भी वो वाला भी हम वीडियो बनाएंगे चाचा। अभी आप भी थोड़ा बिजी है, मैं भी अभी जा रहा हूँ, नमाज पढ़ो जी। ओके ओके चाचा, बहुत अच्छा लगा। मित्रहरू, म यसरी नै एक्सपीरियन्स वाला भिडियोहरू बनाइराख्छु है, यस्तै ड्राइभर अपरेटरको विदेशमा सुख दुःख अनि आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू के कसरी गरेर गर्नुहुन्छ, र यस्तै भिडियो तपाईँ मन पराउनुहुन्छ भने लाइक गर्नुहोला, मन परेन भने पनि कमेन्टमा बताउनु होला, मन पर्यो भने पनि कमेन्टमा बताउनु होला, तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्टमा बताउनु होला, अनि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला। आजलाई यति नै, बाई बाई।